तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों देशों की पॉपुलेशन और इकोनॉमी की। चाइना दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश में आता है और इसकी इकोनॉमी अमेरिका के बाद दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इकोनॉमी रेट में काफी गिरावट आई है, और जबकि भारत का इकोनॉमी रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत की इकोनॉमी 2030 तक दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना काफी लंबे समय से अपने डिफेंस में एक बड़ा निवेश करता आया है। चाइना की GDP 11 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 146 बिलियन डॉलर है। और चाइना अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो डिफेंस पर काफी बड़ी मात्रा में निवेश करता है। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत की GDP 9.489 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 55.9 बिलियन डॉलर है। और इसके साथ ही भारत दुनिया में अमेरिका, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया के बाद पांचवा ऐसा देश है जो डिफेंस पे काफी बड़ी मात्रा में निवेश करता है। अगर बात करें इन दोनों देशों के मिलिट्री पर्सनल्स की स्ट्रेंथ की, तो चाइना में 2.3 मिलियन यानी 23,35,000 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल्स हैं और 14,52,500 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं, और जबकि भारत में 14,62,500 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल्स हैं और 11,55,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की। चाइना की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर में 9,150 टैंक्स, 4,788 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,710 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 6,246 टोड आर्टिलरी और 1,770 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास 5,978 टैंक्स, 6,704 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 7,414 टोट आर्टिलरी और 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। चाइना के पास थर्ड जनरेशन VT4 मेन बैटल टैंक है, और चाइनीज मिलिट्री इस बात का दावा करती है कि उनका मेन बैटल टैंक दुनिया के सबसे बेस्ट मिलिट्री टैंक में आता है। और इसके अलावा चाइनीज मिलिट्री के पास टाइप 99 और 96 मिलिट्री टैंक्स की एक लार्ज फ्लीट भी मौजूद है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास थर्ड जनरेशन का अर्जुन मार्क 2 मेन बैटल टैंक है, और इसके अलावा भारत के पास रशियन में T-72 और T-90S मेन बैटल टैंक्स भी मौजूद हैं। और 2017 की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत करीब 1000 T-90S टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। और इसके साथ ही भारत एक फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान को भी इनिशिएट करने जा रहा है, जिसके तहत भारत करीब 3000 से लेकर 4000 पीस ऑफ न्यू आर्टिलरी पर करीब $3 बिलियन का निवेश करेगा। चाइना की टैंक फोर्स अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बेस्ट टैंक फोर्स में आती है, लेकिन इंडिया भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया की टैंक फोर्स दुनिया की चौथी सबसे बेस्ट टैंक फोर्स में आती है। तो चलिए बात करते हैं दोनों देशों की एयरबेस मिलिट्री पावर की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चाइनीज एयरफोर्स 2030 तक अमेरिका के बाद दूसरी मोस्ट लीथल एयरफोर्स बन जाएगी। चाइनीज एयरफोर्स में टोटल 2,955 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1,300 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। चाइनीज एयरफोर्स में SU-35 और SU-27 जैसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही चाइना ने चेंगडू J-20 और चेंगडू J-31 स्टेल्थ फाइटर्स को भी विकसित किया है, जो एक बेमिसाल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। और इसके अलावा चाइनीज एयरफोर्स में टोटल 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 206 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है, और इंडियन एयरफोर्स में टोटल 2,102 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 900 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास भी सुखोई SU-30 MKI, मिकोयन MiG-29 और डसॉल्ट मिराज 2000 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 666 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें केवल 16 ही अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों देशों की नेवी पावर की। चाइनीज नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन, 51 फ्रिगेट्स, 35 डिस्ट्रॉयर्स, 35 कॉर्वेट्स, 220 पेट्रोल क्राफ्ट, 31 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट, 2030 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 15 मेजर पोर्ट और टर्मिनल शामिल हैं। और इन सबके साथ ही चाइना दो सुपर कैरियर को भी विकसित कर रहा है, जो किसी भी देश की नेवी को शक्तिशाली बनाने के लिए काफी हैं। और इन सुपर कैरियर की 2020 और 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। और अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 सबमरीन, 14 फ्रिगेट्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 24 कॉर्वेट्स,
139 पेट्रोल क्राफ्ट, 6 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट, 340 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 7 मेजर पोर्ट और टर्मिनल्स शामिल हैं। और इन सबके साथ ही भारत भी एक सुपर कैरियर को विकसित कर रहा है जिसका नाम है INS विशाल, और INS विशाल की 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है। और अगर बात करें न्यूक्लियर पावर की, तो इस मामले में चाइना इंडिया से आगे है, क्योंकि चाइना के पास लगभग 270 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया के पास 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देशों की मिलिट्री पावर तेजी से वृद्धि कर रही है और दोनों ही देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी अन्य देशों की मदद के साथ अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि मौजूदा समय में चाइनीज मिलिट्री के पास इंडियन मिलिट्री के मुकाबले में थोड़े ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन भारत भी इस मिलिट्री इक्विपमेंट्स के गैप को पूरा करने के अपने प्रयासों में लगा हुआ है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।